करूं, मैं सनातनी हूं, मैं करूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं करूं, मेरे दिल में राम बसते थे, बसते हैं और हमेशा बसते रहेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं लाइव एक्सपोज, मैं आपकी रिपोर्टर आयुषी राघव। जैसा कि आप जानते हैं 22 जनवरी को हमारे रामलला अयोध्या में आ रहे हैं, तो आज हम कॉलेज के बच्चों से जानेंगे उनके विचार के रामलला आने के ऊपर उनके क्या विचार हैं, आइए जानते हैं। क्या है आपका? गोरख मिश्रा। कौन से कोर्स से हैं आप? मैं बीएससी नर्सिंग। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवम यादव। कौन से कोर्स से हैं? बीएससी नर्सिंग। जैसा कि आपको पता है 22 जनवरी को हमारे रामलला आ रहे हैं अयोध्या में, तो आपके उसके ऊपर क्या विचार हैं? रामलला तो ये तो एक दुनिया जो है यहाँ पे जो हमारी जो भारत में बन गया कि रामलला आ रहा है। रामलला को पहली बात राम जी को कोई ला नहीं सकता, राम जी दुनिया को लाए, राम जी हम लोग को लाए, ठीक। सबसे बड़ी बात है जो ये सबके अंदर दिमाग में बैठा है, ये बातें गलत है कि राम लला आ रहे हैं, राम जी ने हम लोग को लाया है, वो जो चाहेंगे वही होगा। राम, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि राम लला तो आएंगे क्या, वो ही हमें लेकर आए हैं, हम क्या उन्हें लाएंगे, तो आप और क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर? ये काम बहुत अच्छा है, राम मंदिर बना बहुत अच्छा है, हम भी सनातनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा निगेटिव पॉइंट हमें ये लग रहा है कि जो यहाँ की हमारी प्रेजेंट की गवर्नमेंट है इस मुद्दे को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रही है वोट बैंक बनाने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण काम ये गवर्नमेंट ना बेरोजगारी नहीं देख रही है, जो वादे किए थे वो वादे नहीं पूरे कर रहे हैं, बल्कि ये जनता को राम मंदिर के नाम पे उलझाए रख रही है। बाकी जो आज की जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, ना कि नौकरियों की व्यवस्था है, 2 करोड़ रोजगार की थी, 15 लाख रुपए देने की थी, वो सबको। तो आप ये कहना चाहते हैं कि राम मंदिर से ज्यादा इम्पोर्टेंट और चीजें हैं, आप राम मंदिर पर ध्यान ना दें? ना ना, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, राम मंदिर कोर्ट का फैसला था ना कि गवर्नमेंट का, इसमें गवर्नमेंट का तो योगदान है नहीं। मैं सनातनी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण घर से हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं राम, मुझसे बड़ा भक्त कौन होगा? ब्राह्मण राम, मैं राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ समर्थन, मैं तो समर्थन कर रहा हूँ कि बने, लेकिन इसको वोट बैंक न बनाया जाए, इसको जनता को गुमराह न किया जाए। तो आपके हिसाब से कौन सी ऐसी वो है, कौन सी ऐसी वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो वोट बैंक बना रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो सबके नज़र में है जो कि भाजपा है, ये बस वोट बैंक बनाने की अब राजनीति खेल रही है, बाकी राम मंदिर राम सबके दिलों में राज करते। अच्छा, तो आपके हिसाब से जो कांग्रेस पार्टी ने जितने सारे वकील बिठाए थे कि राम मंदिर ना बन पाए उसके खिलाफ में, वो आपके हिसाब से सही था? नहीं नहीं, वो नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, राम मंदिर बनना कोर्ट का फैसला था, न कि भाजपा अपने घर से पैसा दे रही है, ना ये जनता पैसा दी है, जो कर कांग्रेस के राज में, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तभी भी राम जी के लिए चंदा इकट्ठा किया गया था। गवर्नमेंट राम मंदिर के लिए कुछ भी किया कहां गया, और अगर कांग्रेस ने चंदा इकट्ठा किया था तो इतने वकील को बिठाए उसके खिलाफ कि राम मंदिर खुलना नहीं चाहिए, तो अब ये तो भाजपा सरकार के आने के बाद हुआ है ना कि राम मंदिर बनने के लिए इतने किया जा रहा है कोशिश कि राम मंदिर बने, और वो लोग उसका खिलाफ कर रहे हैं कांग्रेस, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि वो वोट बैंक ले रहे हैं अपना। वोट बैंक तो ऑब्वियसली आएगा ही उनका, जब वो ऐसा काम करेंगे, इतना अच्छा काम करेंगे तो वोट तो खुद ही खुद आएंगे ना। फिर मैं बोला, फिर ये मीडिया वाले जनता को घुमा फिरा के वहीं ले जा रहा है, फिर मैं कह रहा हूँ ये काम भाजपा नहीं कर रही, ये काम कोर्ट का फैसला है। तो ऐसा कहा किसने है कि कोर्ट का फैसला है, सबको पता है कोर्ट का फैसला है, पर भाजपा ऐसा कहाँ कह रही है कि हम कर रहे हैं सब कुछ? सबको पता नहीं है, यही तो कह रहे हैं, जनता को पता नहीं कि जनता के दिमाग में ये भर रहा है, मीडिया बिक चुकी है, जनता के दिमाग में ये भर दिया है मीडिया कि ये राम मंदिर जो है मोदी जी बनवा रहे हैं, योगी जी बनवा रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, राम जी का। ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि भाजपा ही राम मंदिर बनवा रही है, राम मंदिर के लिए हम सब लोगों का यह सहयोग है, सब लोगों ने सहयोग दिया है उसके लिए, सब चाहते थे राम मंदिर बने, ऐसा किसी ने नहीं कहा कि भाजपा केवल कर रही है राम मंदिर बनाए। ऑब्वियसली हमारे यहाँ इतनी बड़ी सरकार है, इतना सब कुछ है, हमारे जुडिशरी है जो इतना सारे हमारे वो लेती है आगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो ऐसा किसने कहा कि भाजपा ही कह रही है कि हमने बनाया है, ऐसा तो नहीं है। ये आपकी मीडिया ही कह रही है ना कि बाकी लोग, इसका जवाब एक ही है। आपकी ऐसी सोच है कि मीडिया बस ये दिखा रही है कि भाजपा ही बनाएगी, वही फिर अब मीडिया सोच पे आ गई, अब मेरी सोच बताने लगी, मैं देख रहा हूँ इस जनरेशन में क्या चाहिए, इंसान को क्या जरूरी है, हा? अब मीडिया उसमें सोच, अब मेरी सोच यानी गलत है, मैं कह रहा हूँ मैं सनातनी हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे दिल में राम बसते थे, बसते हैं और हमेशा बसते रहेंगे, तो मैं राम के क्यों विरोध करूंगा? मैं तो उस पॉलिटिकल पार्टी की विरोध कर रहा हूँ जो वोट बैंक के लिए राम जी को गलत, राम जी के नाम पे वोट बैंक बना रहा है अपना। अच्छा ठीक है, हमें आपके विचार बहुत अच्छे लगे, धन्यवाद आपका। आपके क्या विचार हैं?
बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर को हम सभी चाहते थे, काफ़ी टाइम से हम लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि राम मंदिर बने, राम मंदिर बने। जैसा कि हम सभी जानते हैं राम मंदिर की जगह पे पहले बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, उसको तोड़ के राम मंदिर बनाया गया। अच्छी बात है, हम राम मंदिर बनाए, हम सब लोग हम सब उस दिन इस दिन को हर्ष और उल्लास से मनाएंगे। लेकिन इसके अलावा जैसा कि हमारे मित्र गोरख ने बताया आपको कि राम मंदिर के नाम पर वोट बैंक का एक बहुत बड़ा मोटो चल रहा है बीजेपी का, जो कि नहीं चलना चाहिए। इसलिए इस चीज़ को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। बाकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं सब हम सभी लोगों की, युवाओं की जो ज़रूरतें हैं, उन सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दे रही है। बहुत सारे वादे भी किए थे बीजेपी ने, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में आएंगे। अच्छा, आप हमारा सवाल ही नहीं समझ रहे हैं, हम आपसे ये पूछ ही नहीं रहे कि भाजपा क्या कर रही है क्या नहीं, हम आपसे बस ये पूछ रहे हैं कि आपके विचार क्या है राम मंदिर। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बन रहा है। उस दिन को हम लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं, हर्षोल्लास से इस दिन को मनाएंगे भी, जैसा कि 22 जनवरी को होने भी वाला है उसका उद्घाटन। एक चीज़ ये भी देखिए, आप लोग ये बता रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन 22 तारीख को, ये चीज़ बहुत अच्छी है। लेकिन राम मंदिर का अभी तक देखा जाए तो पूरा निर्माण भी नहीं हुआ है। उससे पहले उसको अपना 2024 के चुनाव से पहले उसका उद्घाटन कर रहे हैं, क्योंकि उनको 2024 में अपना वोट बैंक कंप्लीट करना है। ये भी तो आप लोग बताइए ना, ये भी चीज़ तो आप लोगों को देखनी चाहिए। जब तक कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा निर्माण नहीं हुआ उस चीज़ का, उससे पहले आप उसका उद्घाटन क्यों कर रहे हैं? क्यों, इसी रीजन की वजह से तो कर रहे हैं, 2024 में चुनाव है इसीलिए। और ये चीज भी तो देखिए, और अगर ये इतना ही मानते राम मंदिर को, तो रामनवमी के दिन राम जी का जन्म हुआ था, उस दिन राम जी का उद्घाटन करते, ये क्यों? इनको पता है कि मार्च के बाद आशा संहिता लग जाएगा, जिसकी वजह से हम कुछ कर नहीं पाएंगे। मेरी जो प्रचार प्रसार है, जो पब्लिक है, वो जो मीडिया है, वो पब्लिक के जरिए ये प्रचार प्रसार नहीं फैला पाएगी, जिसके जरिए वोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। नाम क्या है आपका? मनन कौशिक। कौन से कोर्स हैं आप? बीटेक सेकंड ईयर। आपका नाम क्या है? अरबाज। आप कौन से कोर्स से हैं? बीटेक सेकंड ईयर से हूँ मैं भी। अच्छा, तो आप जैसे कि जानते हैं 22 जनवरी को हमारे रामलला आ रहे हैं, उनका उद्घाटन हो रहा है मंदिर का, तो इतना बड़ा विशाल, सबको पता है कि इतना बड़ा उद्घाटन होने वाला है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, पहली बात तो बहुत प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए, इतने दिनों बाद हो रहा है, एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड हम लोगों ने फ्रेंड्स ने एक्चुअली प्लान करा था जाने का, बट ड्यू टू सम रीजंस एंड कॉलेज वगैरह वी आर पोस्टपोनिंग दिस, बट होके जरूर आएंगे। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। ओके ओके, थैंक यू। आपके क्या विचार हैं राम मंदिर के ऊपर? देखिए, वैसे तो अच्छी बात है ये, और जैसा कि बताया गया था कि वहाँ पे राम मंदिर बनेगा और मस्जिद के लिए अलग जगह दी जाएगी, तो ऐसे टाइम पे ये बहुत क्रूशियल टाइम है, यहाँ पे मतलब दंगे फसाद होने का टाइम हो सकता है, तो जैसे यहाँ का काम पूरा हो उद्घाटन के बाद, वहाँ पे भी उनको काम शुरू कर देना चाहिए मस्जिद वगैरह के लिए। बाकी तो सब ठीक है, ठीक है, अच्छा लग रहा है मेरे को। ओके, धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या है? प्रतीक। कौन से कोर्स हैं आप? जर्नलिज्म। तो जैसा कि आपको पता है 22 जनवरी को हमारे रामलला आ रहे हैं अयोध्या में, मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? दैट्स गुड, मेरे को अच्छा लगा जान के। और आप जैसे कि जानते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भाजपा के वोट बैंक लेने की साजिश है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वैसे तो मेरे को तो वैसे कोई आइडिया नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में, मेरे को तो बस फैशन सेंस का थोड़ा आइडिया है, बट राम मंदिर के ऊपर आपके क्या विचार? मंदिर के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि राम मंदिर दोबारा से मतलब रिक्रिएट हो रहा है, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आपका नाम क्या है? प्रथम कुमार। कौन से कोर्स हैं आप? बीटेक कंप्यूटर साइंस। आपका नाम क्या है? आदित्य राज। कौन से कोर्स हैं आप? बीटेक कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस। अच्छा, तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि 22 जनवरी को हमारे रामलला आ रहे हैं, मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं, क्या सोच है आपकी उसके ऊपर? देखिए, राम मंदिर से हम लोग का बिहार का मतलब भारत का जैसे ये होगा, गौरव होगा उसका, रिलीजन पे होगा, जैसे सब बाकी जितना भी देश है सबका अपना अपना एक रहता है हिंदुत्व, मतलब कि जो कास्ट का है, हम लोग का जैसे कुछ कोई नहीं, यहाँ जितना आते हैं सब रहते हैं, तो एक तरह से सब रहे, लेकिन हिंदू को थोड़ा इस पर रहना चाहिए। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं, हिंदुओं को किस चीज़ के ऊपर रहना चाहिए? इस पे तो मुस्लिम का भी हक है ना? है हिंदू, हमने उन्हें कह रहा है जैसे कि हिंदू मुस्तब रहा है जो और कास्ट के भी है, लेकिन एक तरह से मतलब हिंदुस्तान है तो इसका हिंदू का रहना चाहिए इस पे। हिंदुस्तान के अंदर तो सब लोग रहते हैं, पारसी, मुस्लिम, हिंदू, ऐसा कैसे कह सकते हैं आपके हिंदू ही रहना चाहिए? रहना चाहिए यहाँ पे, जैसे राम जी का हुआ, जन्म हुआ, जितना भी हुआ हिंदुत्व का रहता है इसलिए। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदुओं को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर? अच्छा, ठीक है, उसका भी हम नहीं कर रहे कि उसको इज्जत नहीं दिया जाए, सबको इज्जत दिया जाए उसको। अच्छा, सबको इज्जत दी जी। तो राम मंदिर में तो सभी आ सकते हैं ना, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, कोई नहीं जी, सब आना है। अच्छा, ओके, धन्यवाद। आपके क्या विचार हैं?
राम मंदिर का बनना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि 500 साल के स्ट्रगल के बाद राम मंदिर हमारा बन रहा है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि इस पर सिर्फ हिंदू का अधिकार है, नहीं ऐसा तो नहीं है, इस मंदिर में सारे लोग आ सकते हैं। वही हमने कहा कि ऐसा थोड़ी ना है कि हिंदू ही आएंगे या मुस्लिम ही आएंगे, सब आ सकते हैं। सब आ सकते हैं, मतलब हिंदू का मतलब वो नहीं कहना चाह रहे, मतलब कि एक जैसे बाकी सब का हो गया, जैसे पाकिस्तान में अधिकतर मुसलमान है, वहाँ उससे तो इसी से हमें परेशानी है ना कि अधिकतर मुसलमान है तो हिंदुओं के साथ कम हो रहा है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं ना? अरे हम थोड़ी कह रहे हैं कि मुसलमान चले जाए दूसरे जगह, यहीं रहे, लेकिन हिंदू राम मंदिर बन रहा है तो जैसे हिंदू हुआ ना सब कुछ, इसलिए कहा। देखिए ठीक है, आपके विचार हैं इसके ऊपर, हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार? देखिए हमारा सेक्युलर फ्रंट जो है वो कहता है कि मतलब मंदिर जो है वो सेक्युलर होना चाहिए, ठीक है, तो मंदिर सेक्युलर ही है, लेकिन अगर मुस्लिम लोग आना चाहे तब, क्योंकि हमारे यहाँ जो मुस्लिम है अगर वो राम को मानते हैं तो वो मुस्लिम ही मुस्लिम को मुस्लिम मानने से मना कर देते हैं, इसी कारण से ये कह रहे थे कि ये सिर्फ हिंदू के लिए है, बाकी इस पूरे प्रोसेस में जो भी राम मंदिर, तो हिंदू के लिए नहीं है, हिंदू मान रहे हैं वो अलग बात है, पर हिंदू के लिए नहीं है, सबके लिए है ये मंदिर, तो सबके लिए है, लेकिन ज़्यादातर पूजा तो हम सनातनी ही करेंगे उसमें जाकर, हिंदू तो उनको कहते हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं। हाँ देखिए बहुत सारे मुस्लिम भी हैं जो पूजा करने में विश्वास रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू या मुस्लिम ही आएंगे या हिंदू ही आएंगे, बहुत सारे लोग दरगाह पर भी जाते हैं हिंदू, ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम नहीं आएंगे। बाकी और कुछ कहना चाहते हैं? देखिए जैसे कि राम मंदिर जो है हमें जोड़ने का काम करेगा, जैसा आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मतलब भव्य समारोह हो रहा है, तो एक तरीके से अयोध्या को बहुत ज़्यादा टूरिज्म से इसमें फ़ायदा होने वाला है, तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी भी अच्छी हो जाएगी और क्या कहते हैं जो हमारे देश में रोज़गार है वो बढ़ेगा। बस इतना ही है कि राम मंदिर जो है 500 साल बाद कम्प्लीट होने वाला है और हम इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका।